हेलो दोस्तों, दुबई का जो हमारा डेजर्ट सफारी का जो टूर चल रहा है उसका ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 में आप देख चुके हैं कि कैसे यहाँ पर हम लोग पहुँचे और थोड़ा सा रेस्ट किए और गाड़ियाँ तैयार हो चुकी है जाने के लिए यहाँ पर कुछ राइड्स करने के बाद, क्योंकि ये रेड डेजर्ट पे हमें ये गाड़ियाँ लेके जाएगी। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो के नीचे राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और उसी के बाजू में एक बेल की बटन है उसे भी दबा दीजिए ताकि मेरे तरफ से आने वाले नए नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे। मैं हूँ हेमंत और आप देख रहे हैं हेमंत जी एक्शंस। तो हमारी गाड़ियाँ अभी तैयार है जाने के लिए और ये लो हम लोग निकल चले। ये जो अभी कारवा निकल पड़ा है हमारा रेड डेजर्ट के लिए, यहाँ से दुबई से अभी हम लोग 60 किलोमीटर दूर है और यहाँ से अभी एक्चुअल डेजर्ट सफारी हमारी चालू हो चुकी है और गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि कैसी ऊपर नीचे दाएं बाएं और कैसे एकदम हिल डुलते हुए चल रही, और पूरी बॉडी का मसाज गाड़ी के अंदर ही होने जा रहा है आपका, कोई और एक्स्ट्रा मसाज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर गाड़ियाँ कैसे चलती है, कितने खतरनाक रेगिस्तान है ये, यहाँ पर उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, वैसे रास्ते तो यहाँ है ही नहीं और आप देख सकते कि इसीलिए यहाँ पर जब डेजर्ट सफारी होती है तो प्रेग्नेंट महिलाएं और बुज़ुर्ग व्यक्ति और हार्ट अटैक से परेशान व्यक्ति, इनको यहाँ पर आने के लिए मनाही की जाती है, इनको आने नहीं दिया जाता है। आप देख सकते हैं इसकी हकीकत क्या है। और यही है वो गाड़ियाँ जिनसे हम लोग यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर आने के बाद आपको पूरा नज़ारा मैं दिखाता हूँ।
रेड सैंड डेजर्ट में वो सारी एक्टिविटीज़ जो है वो इसके पहले हमने एटीबी की थी और बाकी एक्टिविटीज़ की थी, तो यहाँ पर उसके लिए स्कोप नहीं है क्योंकि यहाँ पर इतने दूर वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ फोटोग्राफी करिए, रेड सैंड डेजर्ट में घूमिए और सनसेट का मजा लीजिए और खुद इस रेत का हिस्सा बन जाइए। और इसीलिए बोला जाता है कि दुबई की जो डेजर्ट सफारी है वो मस्ट एक्टिविटी है। दुबई आने के बाद अगर ये रेड सैंड एक्टिविटी, रेड सैंड डेजर्ट को आप नहीं गए तो फिर आपकी जो दुबई की ट्रिप है वो अधूरी ही मानी जाती है। ये प्योरली रेड सैंड डेजर्ट होने की वजह से ये बहुत टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करता है। जितने मर्जी चाहे उतने फ़ोटो निकालिए, बहुत स्कोप है फोटोग्राफी के लिए यहाँ पर। इतना खूबसूरत एरिया है यहाँ पर, एक्चुअली ये रेड सैंड डेजर्ट है और वैसे दुनिया में रेड सैंड डेजर्ट बहुत कम है और उसमें से भी एक ये रेड सैंड डेजर्ट है। और यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए बहुत सुंदर सुंदर सीन्स आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ का जो सनसेट है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। और करीबन एक घंटे का एन्जॉयमेंट करने के बाद यहाँ से हम लोग निकल पड़े हैं अभी फिर से एक दूसरी एक्टिविटी के लिए, जो भी जो कि बहुत खास एक्टिविटी है। और अभी जा रहे हैं कैंप की तरफ, वो रेड सैंड थी और ये आप देख सकते हैं कि एकदम वाइट सैंड, एकदम पाउडर टाइप में, उधर भी पाउडर टाइप की थी, एकदम महीन बारीक। सनसेट आप देखिए कि कितना खूबसूरत सनसेट है यहाँ का। हम लोग वापस जा रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर अभी डेजर्ट सफारी कैंप होता है, उस रास्ते से हम लोग निकल पड़े। बड़े कैंप्स नहीं होते शायद क्योंकि लाइटिंग वगैरह अलग टाइप की यहाँ पर दिख रही है। ओके, थैंक यू। वो कैंप करीबन 7:30 बजे से लेकर 10-11 बजे तक चलता है, वहाँ पर खाने पीने की सारी सुविधाएं होती है। तो अभी ये पूरा कैंप का साइड मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। रेड सैंड की तरफ से हम लोग आए और यहाँ पर ये वाइट सैंड में डेजर्ट कैंप है और शारजा के तरफ इसको अलाउड नहीं होने के कारण ये दुबई के साइड में पड़ता है ये कैंप, शारजा के साइड में। रोड जो डिवाइड होता है दुबई और शारजा के लिए, तो दुबई के साइड में, दुबई के एरिया में ही ये आपको कैंप मिलेंगे और शारजा के तरफ ये कैंप, शारजा के साइड में, शारजा के एरिया में ये कैंप्स नहीं होते, वहाँ अलाउड नहीं है। ये अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कैंप साइट, जो कि वहां से करीबन 15-20 मिनट का रास्ता है। यहां पर हम लोग अभी आ चुके हैं और यहां पर कैमल सफारी और नाइट का शो, बाकी सारे शो यहां पर होने वाले हैं और यहां पर काफ़ी धमाल और मस्ती होने वाली है। तो ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा, तो नेक्स्ट पार्ट आप देखना ना भूले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We'll be right back.